मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू पार्सवेल इंटरनेशनल स्कूल। आज हमारा नया टॉपिक का होने जा रहा है चैप्टर नंबर 4, स्थान का उदय विस्तार। लगभग 570 से 1200 ईस्वी तक, यानी कि भारत के अंदर यहाँ के देशों के अंदर जो इस्लाम धर्म का उदय हुआ था, जैसे मक्का मदीना अपन कहते हैं इस्लाम का जो प्रमुख केंद्र है, यानी जो बाहर के जो अरबी जो देश थे, अरबी देशों के अंदर जो इस्लाम धर्म का उदय हुआ और साथ साथ में उनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक और किन किन भागों में ये धर्म जो फैल चुका था और 570 से लगाकर 1200 ईस्वी तक ये कहाँ कहाँ तक फैल चुका था, उसके बारे में और इस्लाम धर्म के अंदर उनकी संस्कृतियों के बारे में, साथ ही साथ में उनके अंदर इस्लाम धर्म के अंदर उनके जो उनका उनका कैलेंडर वगैरह होता है, उनकी संस्कृति या उनका जो समाज था वो किस प्रकार से था, समाज कैसे रहते थे और उनके पूजा या आराधना करने का जो तरीका था वो क्या था, उसके बारे में जो मिस्र से अफगानिस्तान तक क्या हुआ था कि 600 से 1200 ईस्वी तक इसका जो इस्लाम धर्म था वो पूरा तरह से फैल चुका था। और बात करते हैं अगर 600 से लगाकर 1200 ईस्वी तक लगभग ये पूरे मिस्र, अफगानिस्तान, अरबी प्रदेश वगैरह, अरबी राज्य, अरबी जो देश थे या अरब से संबंधित जो भी देश थे, उस समय ये इस्लाम धर्म का उदय हो चुका था। और इस्लाम धर्म के उदय का हम कहते हैं कि भाई उदय करने के अंदर सबसे ज्यादा सहयोग करने वाले जो थे वो थे मोहम्मद पैगंबर साहब, यानी मोहम्मद पैगंबर साहब के द्वारा इस्लाम धर्म का उदय या इस्लाम धर्म की शुरुआत मानी जाती है। और बात करते हैं इस्लाम शब्द की, भाई इस्लाम एक जो शब्द है वो एक शब्द नहीं है, हम उसको एक शब्द नहीं कह सकते, या उसको एक धर्म से संबंधित नहीं कह सकते, खाली एक धर्म से संबंधित नहीं है वो इस्लाम है जो समाज व संस्कृति के लिए, यानी कि इस्लाम धर्म जो प्रयोग किया जाता है वो एक पूरे समाज के लिए और एक पूरी संस्कृति के लिए इस्लाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं अरे भाई हिब्रू और अरबी से संबंधित भाषा, यानी इस्लाम धर्म के अंतर्गत जो भी भाषा या संस्कृति जो भी लिखी गई है, जो भी ग्रंथ पाए जाते हैं, या उनके जो बोलने के तरीका जो था, या लिखने का जो भाषा या लिपि जो थी वो थी अरे भाई हिब्रू और अरबी भाषा के अंदर इनके ग्रंथ वगैरह, इनके जो भी लिखावट या पुस्तक या महत्वपूर्ण जो भी ग्रंथ है या इनके जो इतिहास संबंधित जो भी जानकारी है वो अरे भाई हिब्रू और अरबी भाषा में सबसे ज्यादा मिलती है। अगर हम बात करते हैं, हम जैसे पहले की क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि सम्राट जो अशोक था इस सम्राट अशोक ने क्या किया था, अपने कुछ लेख अभिलेख और शिलालेख और स्तंभ जो लेख थे उसके अंदर उसने भी क्या किया था, इन भाषाओं का प्रयोग किया था। उसने अशोक सम्राट अशोक ने अरेमाई लिपि का प्रयोग किया था। अरेमाई लिपि में अफगानिस्तान के अंदर शाहने कुंजा नाम मिलता है, शाह शाहने कुंजा दरमा में, यानी यह सम्राट अशोक ने भी क्या किया था, अपने साम्राज्य के समय या अपने शासन के समय अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया, जितने जैसे करोष्टी लिपि, प्राकृत भाषा और अरमाई लिपि और करोष्टी भाषा के अंदर उसने भी क्या किया था, अपने अभिलेखों को लिखवाया था। अभी बात करते हैं अरब के अंदर, यानी कि अरब के अंदर अरब जो देश थे उसके अंदर इस्लाम का उदय किस प्रकार से हुआ और धर्मनिष्ठा समुदाय और राजनीति किस प्रकार से हुई। सबसे पहले बात करेंगे अरब देशों के अंदर, तो सन 612 से लगाकर 632 ईस्वी में पैगंबर मुहम्मद ने एक ईश्वर अल्लाह की पूजा और आस्तिकों के एक समाज की संस्था का प्रचार किया, यानी कि उन्होंने ये 612 से लगाकर 632 ईस्वी के लगभग उन्होंने एक प्रचार किया मुहम्मद साहब ने कि हमें क्या करना चाहिए, जो भी देवता है वो कैसे एक ईश्वर, यानी सभी को क्या करना चाहिए, एक ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। और जिस प्रकार से उन्होंने कहा इसी प्रकार से क्या करना चाहिए, अल्लाह की पूजा करनी चाहिए। और जो आस्तिक है जिनको क्या करना है, आस्तिक और नास्तिक होते हैं, जो एक होता है आस्तिक, आस्तिकों का मतलब होता है जो भगवान या देवी देवताओं को मानने वाला होता है, और दूसरा होता है नास्तिक जिसका अर्थ होता है वो किसी भगवान को नहीं मानते। यहाँ पर क्या किया गया, उन्होंने कहा जो भी आस्तिक है यानी अल्लाह या ईश्वर को मानने वाले हैं उनको क्या करना चाहिए, अपना एक ही सदस्यता यानी एक ही समाज का निर्माण करना चाहिए। और साथ ही साथ में उन्होंने कहा और जो मुख्य रूप से जो पैगंबर साहब थे वो एक तरह से सौदागर, सौदागर का मतलब होता है एक तरह से हम व्यापारी कह सकते हैं, यानी कि जो मुहम्मद साहब जो थे एक तरह से सौदागर थे, यानी सौदागर का मतलब होता है उन्होंने क्या किया था, भाषा व संस्कृति दर्शन से जो अरबी थे, यानी उनकी बोलने की भाषा व संस्कृति के यहाँ पहनावे के द्वारा तो ये पता चलता है कि उनकी भाषा व संस्कृति के रूप में अगर हम उनको देखते हैं तो उनको हम क्या कहेंगे, एक तरह से अरबी, यानी अरबी लोग कहेंगे। साथ साथ में यानी कि समाज के अंदर से वो किस प्रकार से थे कि भाषा के द्वारा तो क्या करते थे, अपनी भाषा के द्वारा तो अपनी संस्कृति का प्रचार करना, अपने धर्म का प्रचार करना और एक ईश्वर
या अल्लाह को मानना, और साथ साथ वो क्या कहते थे, एक ही समुदाय के, तो मतलब जो ईश्वर को मानने वाले उनको क्या करना चाहिए, एक ही समुदाय बनकर रहना चाहिए। फिर बात करते हैं देखो मोहम्मद साहब, और मोहम्मद साहब को जैसे सौदागर यानी व्यापारी कहा जाता था, यानी कि व्यापार के तौर पर वो क्या करते थे, एक देश से दूसरे देश यानी एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते थे। और जब अगर उनसे बात करते तो बात करते थे उनकी जो भाषा थी यानी बोलने का जो तरीका था, और उनकी संस्कृति, संस्कृति का मतलब होता है उनका जो पहनावा, रहन सहन, जो खान पान, अगर हम देखते थे तो उससे वो अलग भाषा यानी अलग ही लगते थे। अब बात करते हैं अरब के, अरब देश का यानी कि इस्लाम का धर्म जो अरब देशों के अंदर उदय हुआ, उस उदय के अंदर हम बात करते हैं अगर अरब देश के, यानी अरब देश के जो लोग थे सबसे ज्यादा कबीलों के अंदर रहते थे। अब क्या था, वो क्या अरब देशों के अंदर जो समाज था वो समाज क्या छोटे छोटे कबीलों में बटा हुआ था, यानी कि एक समाज दूसरे समाज में तीन तरह के अलग अलग प्रकार से रहते थे। यानी कि उनके अरब देशों के अंदर भी क्या था, जो समाज था, समाज के अंदर जब छोटे छोटे कबीले बनाए गए तो कबीलों के अंदर क्या था, उनमें भेदभाव किया जाता था। यानी कुछ कबीलों को मस्जिद वगैरह में जाके नमाज पढ़ने का अधिकार दिया गया था, लेकिन कुछ कबीलों को उनको मस्जिद वगैरह में जाने का अधिकार नहीं दिया था। तो मोहम्मद बेगम साहब ने ये बात जो पता लगी तो क्या कहते हैं, सभी को एक ही चीज कहते हैं कि हम जो एक ही धर्म को मानने वाले या एक ईश्वर को मानने वाले या जो जो भी देवी देवता और ईश्वर को मानने वाले उन सबका क्या एक तरह से हम एक समाज है। यानी कि हम एक समाज में रहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, एक समाज की तरह सबको मिलकर यानी अलग अलग कबीले होते हुए भी हमें क्या करना चाहिए, एक ऊपर सबके साथ में रहना चाहिए। फिर बात करते हैं सभी जगह तो अरब देशों के ऐसा नहीं है कि अरब देश के अंदर सिर्फ इस्लाम धर्म का युद्ध हुआ था। अब बात करते हैं जब अरब देशों यानी अरब के जो कबीले बने हुए थे, उन कबीलों के अंतर्गत क्या था, सभी देवी देवताओं यानी कि इस्लाम अल्लाह यानी कि मुस्लिम धर्म के देवताओं से अलग सभी देवी देवताओं यानी कि इन कबीलों के अंदर एक किसी ईश्वर नहीं था, उसमें सभी देवी देवता यानी कि अलग अलग कबीलों के अपने अलग अलग देवी देवता होते थे, और वो उनकी पूजा अपनी संस्कृति के अनुसार करते थे। यानी अलग अलग देवी देवताओं का मतलब है कबीले में किसी एक धर्म को नहीं माना जाता था या एक देवी देवता को नहीं माना जाता था, सभी कबीलों के अंदर अपने अपने यानी सभी लोग क्या करते थे, जो जो उनका कबीला था उन कबीलों के अनुसार सभी के क्या होते थे, अपने अलग अलग देवी देवता होते थे। अब बात करते हैं कि अरब देश के जो सबसे ज्यादा अरब देश में मुख्य खाद्य यानी खाने के अंदर खजूर, यानी खजूर सबसे ज्यादा पाया जाता था। फिर बात करते हैं खजूर के साथ साथ उनके जो ऊंट थे, ऊंट के लिए चारे की तलाश थी, ये क्या करते थे, जो उनके जो अरब देश का लगभग जो रेगिस्तानी इलाका होने के कारण वो क्या करते थे, ऊंटों के लिए खाने के लिए अंदर उधर तलाश में घूमते रहते थे। और उन रेगिस्तानी इलाकों के अंदर सबसे ज्यादा आसानी से खाना खाने के लिए ऊंट एकदम अच्छा साधन था, जिसके द्वारा वो क्या करते, ऊंटों के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, और ऊंटों के लिए खाने पाने के लिए या उनको हरे हरियाली के लिए, हरे चारे के लिए वो क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर आते जाते रहते थे। फिर बात करते हैं मैडम पैगम्बर साहब की, तो पैगम्बर मोहम्मद साहब का कबीला कुरैश यानी कि उनका जो कबीला था मोहम्मद पैगम्बर साहब का, जिन्होंने इस्लाम धर्म का उदय किया था, उनका जो कबीला था वो कुरैश था, और वो रहने में मक्का रहते थे, यानी कुरैश जो थे वो मक्का के अंदर और मक्का में वो रहते थे। अब बात करते हैं आगे, तो मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म के उदय के साथ में उन्होंने एक ही चीज कहा था कि अगर हम किसी भी देवी देवता या ईश्वर को मानते हैं तो सभी को एक समाज बना के रहना चाहिए। यानी कि उन्होंने मक्का के अंदर भी एक ही बात का प्रचार प्रसार किया या धर्म का प्रचार किया कि जो भी आस्तिक है यानी आस्तिक जो कि एक ईश्वर को मानते हैं, उन व्यक्ति को सभी को मिलकर क्या करना चाहिए, अपना एक समाज बना लेना चाहिए। फिर वहाँ के मुख्य धर्मस्थल पर नियंत्रण था, यानी कि मक्का के अंदर जो मोहम्मद पैगंबर साहब थे उनके जो धार्मिक स्थल थे, उन धार्मिक स्थलों के ऊपर उनका पूर्ण नियंत्रण था। साथ साथ में ये जो उनके जो धार्मिक स्थल थे वो आकार में जो घनाकार है घन जो होता है घन के आकार के बने हुए थे, उसे काबा कहा जाता था। यानी कि जो धार्मिक स्थल बने हुए थे उन धार्मिक स्थल का जो आकार जो घनाकार था उस घनाकार आकार वाले कबीलों को उसमें काबा कहा जाता था। इससे आगे हम पढ़ेंगे उनके नियंत्रण के बारे में, साथ साथ में इस्लाम धर्म के प्रचार के बारे में, अरब देशों के अंदर इस्लाम धर्म के प्रचार और प्रचार प्रसार किस प्रकार से किया गया, और उनके जो कैलेंडर संबंधी बातें उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।